हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट को लेकर मैसर्स एसएलसी ग्रीन एनर्जी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया। एमओयू के अनुसार प्रदेश में 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा और 3500 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर एएनबी न्यूज ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से विशेष बातचीत की। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है, सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सरकार ने की है वो ये है कि 2025 तक हिमाचल को जो है ग्रीन स्टेट बनाना है और इसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए पिछले कल एक महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन हुआ है, उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी। सर, जानना चाहेंगे पिछले कल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया को लेकर एक परियोजना जो है वो उससे संबंधित एक एमओयू आपने साइन किया है। बताया जा रहा है कि 4000 करोड़ का निवेश आएगा, लगभग 3500 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। सर, क्या है ये प्रोजेक्ट और इससे आने वाले दिनों में हिमाचल को किस तरह से लाभ मिलेगा? ये जो कल भी एमओयू साइन हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी का है और इस ओर हम जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कल ही जो है 4000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है हाइड्रोजन और अमोनिया है, और वो जो है वो उसके पानी से जो है हाइड्रोजन को अलग करके जो है वो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा और फिर उस हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन है जो एयर में नाइट्रोजन होता है उसको लेकर के अमोनिया बनाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है, अभी तो एमओयू साइन हुआ है। एमओयू में उन्होंने कहा है कि वो 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और काफ़ी लोगों को रोज़गार देंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट अभी एमओयू साइन हुआ है, अभी तो इन्होंने लैंड आइडेंटिफाई करनी है, इसकी जो क्लियरेंसेज होनी है, अभी तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस अभी होना है इसमें, तो कर रहे हैं तो वी वेलकम। और इसके अलावा एक और ग्रीन को कंपनी है, वो भी जो है हिमाचल प्रदेश में ग्रीन अमोनिया का जो प्रोजेक्ट ऊना में लगा रहे हैं, उनके जो स्टेज है वो 10000 करोड़ रुपये का है और उनका जो स्टेज है वो एडवांस स्टेज में है। उनकी लैंड की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, लैंड की ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में भी लगभग हमको 50 करोड़ रुपये रेवेन्यू जो है स्टेट को जो है वो उसमें भी आएगा। और हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि और भी जो प्रोजेक्ट्स है वो हिमाचल प्रदेश में आए और यहाँ स्थापित हो, ताकि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू भी बढ़े और हिमाचल प्रदेश में रोजगार के साधन जो है वो नौजवानों के लिए वो भी जो है वहाँ खुले हों। जी सर, इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी कंसेप्ट है वो भी इसमें शामिल रहेगा या उसको किस तरह से इसमें बल मिल सकता है? नहीं, ग्रीन एनर्जी का मतलब तो अलग अलग चीज़ें हैं ना। ग्रीन एनर्जी तो मतलब ये तो एक हाइड्रोजन बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे और वो सोलर भी, एक सोलर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो भी इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी, क्योंकि वो जो है ग्रीन एनर्जी जो सोलर